सूर्य आराधना के महापर्व छठ पर जिलाधिकारी के वीरेंद्र पांडेय ने जनपद वासियों को छठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण का कहर अभी थमा नहीं है, इसलिए त्यौहार में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। 3 मूल मंत्र को याद रखना है, 2 गज की दूरी के साथ मास्क लगाना जरूरी है, इसी के साथ सैनिटाइजेशन का प्रयोग व 2-2 घंटे का हाथ धोना आवश्यक है। कहीं भी भीड़ ना लगाएं और कोरोना के जंग में प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी के वीरेंद्र पांडेय ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के वीरेंद्र पांडेय ने कहा, पूर्वांचल में एक बड़ा त्यौहार के रूप से मनाया जाता है, बहुत लोग बाहर से भी आते हैं और हर परिवार मनाते हैं खासतौर पर, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप कोरोना के बीच में अभी भी हैं, हम लोग बहुत मुश्किल से गोरखपुर में कोरोना का संख्या घटी है, पॉजिटिव का संख्या, और पिछले 1 सप्ताह 10 दिन में मौत भी नहीं हुआ है। मैं आपसे चाहता हूँ आप भी साथ दीजिए, तब हम कोरोना से ढंग से लड़ पाएंगे। और इस समय में ये जो 3 मूल मंत्र है हमेशा याद रखें, तब भी बाहर जाते हैं भले जो भी त्यौहार मनाने के लिए, आप बिना मास्क मत जाइए, 2 गज का दूरी और हाथ बार बार साफ करना है, और कहीं कतई भीड़ मत लगाइए, भीड़ इलाका में मत जाइए। इसके लिए हम लोग अलग व्यवस्था कर रखा है, जगह जगह पे हमारा वॉलंटियर्स रहेंगे आपका भीड़ का जो कम कराने के लिए, ट्रैफिक डाइवर्जन भी हुआ है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, उसके अलावा ऑफिसर भी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट में रूप से है, जो बिना मास्क जो भी दिखाई पड़ते हैं उनके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा, और बार बार जो नहीं मानते तो फिर उनके ऊपर और सजग कार्रवाई भी होती है। मैं आपसे अपील करने चाहता हूं, जो भी त्यौहार हम मनाते हैं सावधानी से मनाएं और शांतिपूर्वक मनाएं। आपके लिए, इस त्यौहार के लिए मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं।